जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी पीजी की जो काउंसलिंग हो रही है उसी से रिलेटेड। पीजी काउंसलिंग जो आपकी है हम लोग इसमें बात करने वाले हैं 25 अगस्त 2023 की जो आपकी कट ऑफ आई हुई है अलग अलग विषयों की। तकरीबन आपके 6 विषय हैं जिनकी कट ऑफ अभी 25 अगस्त से जिनकी आज काउंसलिंग आपकी शुरू होगी। किसी की राउंड 3, किसी की राउंड 4, किसी की राउंड 5 की जो यहाँ पर काउंसलिंग चल रही है उससे संबंधित किन किन विषयों की कट ऑफ कहाँ कहाँ तक गई है। और अगर आपके विषय जो हैं, अगर आपका विषय है और आपकी कट ऑफ उतने रेंज में आ रही है तो आप अपनी काउंसलिंग कल से यानी कि 25 अगस्त से करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किन किन विषयों की यहाँ पर काउंसलिंग की अपडेट दी गई है। लेकिन उसके पहले अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बिल्कुल टू द पॉइंट और ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुँचाने का काम इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो 6 विषय है ये कौन कौन से, और इनकी काउंसलिंग कल से यानी 25 तारीख से 25 अगस्त से शुरू कर दी जाएगी। पहला है आपका एमएससी मटेरियल साइंस, एमएड एजुकेशन, एमएससी अप्लाइड जूलॉजी, एमए मेडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री, एमए विमेन स्टडीज़ और एमए फिल्म थिएटर। दीज ऑल आर द 6 सब्जेक्ट्स। ये आपके वो 6 विषय हैं जिनकी आज हम लोग कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं, कितनी कितनी गई और आपका कब से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा तो ये तो मैंने बता दिया है, 25 से यानी कि कल से शुरू हो जाएगा। कब तक होगा ये अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले विषय जो आपका गिवन है यहाँ पर एमएससी मटेरियल साइंस के लिए। 25 से आपकी ये शुरू होगा, 27 अगस्त तक आपका ये काउंसलिंग चलने वाला है। 27 अगस्त दोपहर 2 बजे से पहले आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कर लेनी है, और इसके साथ ही शाम 5 बजे तक आपको अपनी फ़ीस सबमिट कर लेनी है। कब तक? 27 अगस्त तक। अब आइए इसकी कट ऑफ देखते हैं। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 108 अंक या फिर इसके ऊपर है तब आप एलिजिबल हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पर 70 अंक या फिर इससे ऊपर। एससी जो आपका शेड्यूल्ड कास्ट है इसके जितने भी लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर थे सभी लोगों का, एसटी में भी सभी लोगों का हो जाएगा और डब्ल्यूयू में भी सभी लोगों का हो जाएगा। याद रखेंगे आप कि एससी, एसटी और डब्ल्यूयू जो है इनके जो है ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पर हो जाएंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 अंक या फिर इसके ऊपर अगर है आपका तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। सेकेंड, अगर हम एमएड एजुकेशन की बात करें तो अब यहाँ पर जो आपके इसकी भी कट ऑफ कल से यानी 25 अगस्त से शुरू होगा और 27 तक चलेगा। 27 अगस्त और 2 बजे से पहले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपना जो है लॉगिन कर लेना है, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग सब कुछ कंप्लीट करके शाम 5 बजे से पहले 27 अगस्त को आपको यहाँ पर अपनी काउंसलिंग फ़ीस को सबमिट करके सीट को पक्का कर लेना है। यहाँ पर जो आपकी स्पोर्ट्स कोटा है, पीएच फिजिकली हैंडीकैप, डब्ल्यूयू, इनकी लिस्ट को यहाँ पर ओपन कर दी गई है। नेक्स्ट आपका है एमएससी अप्लाइड जूलॉजी का। अप्लाइड जूलॉजी यहाँ पर ये आपका 25 से यानी कल से शुरू होकर 27 अगस्त तक चलेगा। बाकी प्रक्रिया सेम रहेगी 2 बजे और 5 बजे वाली जो मैंने आपको अभी बताई है। ये आपके एससी के जितने कैंडिडेट्स हैं उन सभी लोगों के लिए, ईडब्ल्यूएस के जितने कैंडिडेट्स थे उन सभी लोगों के लिए यहाँ ओपन कर दिया गया है एमएससी अप्लाइड जूलॉजी में। एमए अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तो यहाँ पर 25 से इसके भी काउंसलिंग शुरू होगी और 27 तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। दोपहर 2 बजे से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट और अपलोडिंग, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सब कंप्लीट करके शाम 5 बजे से पहले फीस को सबमिट कर लेना है। अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 144.5 मार्क्स इतना या फिर इसके ऊपर रहेगा तब आप एलिजिबल हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पर 122 मार्क्स या फिर इसके ऊपर हैं तब आप एलिजिबल हैं। एससी की बात करें तो 94 मार्क्स या फिर इसके ऊपर है तब आप एलिजिबल हैं। एसटी में जितने भी कैंडिडेट्स एंट्रेंस में अपीयर थे वो सभी लोगों का हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस के लिए 117 मार्क्स या फिर इसके ऊपर चाहिए अगर आप मेडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री में आप जो है लेना चाहते हैं। अगर हम एमए विमेन स्टडी की बात करें तो यहाँ पर ये आपकी कल से काउंसलिंग शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। 28 अगस्त दोपहर 2 बजे से पहले कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है पोर्टल पर, और शाम 5 बजे से पहले आपको अपनी फ़ीस सबमिट करके अपनी सीट पक्की कर लेनी है। अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 91 मार्क्स या फिर इसके ऊपर है तब आप एलिजिबल हैं। ओबीसी के लिए कट ऑफ की बात करें तो 66 मार्क्स या फिर इसके ऊपर है। एससी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी लोग यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, और एसटी में भी जो है सभी लोग यहाँ देंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 80 मार्क्स या फिर इसके ऊपर।
एमए फिल्म थिएटर की बात करें तो कल से काउंसलिंग शुरू होगी, यानी 25 अगस्त से शुरू होगी और 31 अगस्त तक आपकी ये काउंसलिंग चलने वाली है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 31 अगस्त को दोपहर 2 बजे से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है और शाम 5 बजे से पहले फीस सबमिट करके अपनी सीट को पक्की कर लेना है। ऑल कैंडिडेट्स, जितने भी लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर किया था, जितने भी लोगों ने नहीं दिया है, लॉगिन नहीं किया है, उनको ये बात ध्यान देना है कि जैसे ही आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी, इतने से आपकी प्रक्रिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। याद रखेंगे, फ़ीस सबमिट होने के 24 घंटे के भीतर ही आप वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट डाउनलोड का जो ऑप्शन है डाउनलोड कर लेंगे, फ़ीस रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको एक बार जो है ऑफलाइन प्रेजेंट होना होगा फॉर द फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसकी कॉल अलग अलग टाइम पे अलग अलग विषयों के लिए दी जाती है। अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ विषयों की यहाँ पर कॉल दी गई है, जैसे कि अलग अलग विषय की। तो जैसे कि आप काउंसलिंग करा ले रहे हैं तो आप उसके लिए अपडेटेड रहिए कि आपकी उस सब्जेक्ट की जो है फिज़िकल वेरीफिकेशन के लिए कॉल आई है या नहीं। अगर टाइम बीत चुका है तो दोबारा आएगा, और अगर अभी आने वाले रिसेंट टाइम मान लीजिए अभी आने किसी भी मान लीजिए कि जैसे मान लेते हैं हम कि एम ए मेडिकल या मॉडर्न हिस्ट्री, इसकी मान लीजिए फिज़िकल वेरिफिकेशन की कॉल आ चुकी है, अपडेट आ चुकी है। अच्छा, अपडेट कहाँ से मिलेगी? तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से भी मिल जाएगी, आपको पता है। और नहीं तो आप वेबसाइट पर भी जो है रेगुलरली विजिट करके पता कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। तो मान लीजिए अगर 30 तक इसका है और आपका ये रजिस्ट्रेशन 27 तक चल रहा है, आपका एडमिशन इसी 25 से 27 के बीच में हो जाता है, तो 30 से पहले आप चूँकि आपका एडमिशन हो चुका है तो आपको जाकर के फिज़िकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का कराना होगा, सत्यापित कराना होगा आपको अपने दस्तावेजों को। क्लियर है इतनी बातें? तो इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब पीजी काउंसलिंग आपकी ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे लास्ट फेज पे चल रही है, यूजी की काउंसलिंग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट थी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी आपको समझ में आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, और इसके साथ ही अगर आपका इतने मेरिट लिस्ट में कट ऑफ में आपका नंबर है तो अपना जल्द से जल्द यहाँ पर अपने जो सीट है उसको सुरक्षित कर लें और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।